तो भाई लोग द 100 वुमेन्स कंपटीशन 2023 का जो मैच नंबर 3 है ना, इस मैच में लंदन स्पिट वुमेन के सामने होगा ओवल इनविंसिबल्स वुमेन। अगर हम यहाँ पे ओवल्स की बात करें तो द 100 वुमेन्स दो बार खेली गई है, दोनों बार की चैंपियन कौन है? ओवल इनविंसिबल वुमेन्स, मतलब इनके सामने कोई टिक ही ना पाता, तो लंदन स्पिट क्या टिक पाएगा या फिर ओवल बोलेगा हम चैंपियन है तो चैंपियन की तरह शुरुआत करेंगे ना। तो आप जानना चाहते होंगे ना क्या ओवल चैंपियन की तरह शुरुआत करेगा या लंदन स्पिट इस बार कहानी बदलेगा, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हेड टू हेड। भैया इन दोनों टीमों के बीच में ना अभी तक 3 बार आमना सामना हुआ और तीनों ही मैच ओवल इनविंसिबल वुमेन्स ने लंदन स्पिट वुमेन्स को हरा दिया, इनका खाता वाता खुलने ना दिया। तो भैया क्या ओवल इनविंसिबल फिर से करेगी मैदान पर है, चैंपियन है, चैंपियन की तरह शुरुआत करेगी या फिर लंदन स्पिट वुमेन्स बोलेगी ना जी ना तुम्हारी बारी ना है हमारी बारी है पलटवार करने की पिछली हार का बदला लेने के लिए। चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई को सपोर्ट करना बनता है ना, करना क्या कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। और साथ में ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ना द 100 वुमेन्स के अलावा द 100 मेंस कंपटीशन भी तो चल रही, लंका प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो भाई साहब जरूर ज्वाइन करो, बस एक चीज़ का ध्यान दें, फेक से बचें क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग जो मैच है ना वेडनेसडे 2 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यहाँ मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर। यहाँ के मैदान पर अभी तक द 100 वुमेन्स के 9 मैच खेलेगा जिसमें से 3 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 6 मैच में टारगेट चेज, मतलब लॉर्ड्स लंदन के मैदान पे 100 वुमेन्स में ज्यादा मैच क्या होते हैं टारगेट चेज होते हैं। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 112 रन, टारगेट चेज की बात करें तो 108 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 124, 124 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 108 से 124 के बीच में स्कोर होगा आप समझ जाना जो मामला है ना वो तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहां का जो सरफेस है ना ग्रीन ग्रोस है जिसकी वजह से होता क्या, जो तेज गेंदबाज होती है ना जो उनकी बॉल होती है उनको स्विंग तो मिलती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा बाउंस में मिलता है तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ के जो कंडीशन है वो थोड़ी सी बाउंसी है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 60 मीटर से 86 मीटर की है, मतलब यहाँ की भी जो बाउंड्री है ना थोड़ा फुटबॉल के आकार की है, तो मतलब कह सकते हैं एक साइड की बड़ी है एक साइड की छोटी है, तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना उनके भी सामने बाउंड्री को पार करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। अगर चौके छक्के लगाने जाएंगे तो एक आता लग भी जाएंगे तो एक आता विकेट भी जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो मीडियम स्कोरिंग या फिर थोड़ा सा लो स्कोरिंग होते हैं। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें जो स्टार्टिंग के 25 बॉल का होगा उसमें आपको 28 से 33 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 100 बॉल स्कोर की बात करें 105, 105 से 120, 120 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो लंदन स्पिट वुमेन्स ने 7 मैच खेला, 3 मैच जीता, 4 मैच हार गए, मतलब लंदन वुमेन्स अपने घर में 1 मैच जीतती है 1 मैच हारती है, अपने ही घर को प्यार ना कर पाई। वहीं ओवल इनविंसिबल्स की बात करें तो यहाँ पे 4 मैच खेला और 4ों ही मैच जीत गए, तो ओवल वाली कह रही है कि भैया ये जो मैदान है इससे तो हमको प्यार है क्योंकि हमने 4 मैच खेला 4ों मैच जीता। लंदन स्पिट वुमेन्स वर्सेज ओवल इनविंसिबल वुमेन्स के बीच में यहाँ के मैदान पर 2 बार आमना सामना हुआ और दोनों ही मैच ओवल इनविंसिबल्स वुमेन्स ने लंदन स्पिट वुमेन्स को रौन दिया, यानी ओवल वुमेन्स आती है लंदन स्पिट वुमेन के घर में और इनके घर में इनको पीट के चली जाती है, कुछ कर ना पाती। तो आज के मैच में क्या यही होगा या कुछ अलग होगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लंदन स्पिट वुमेन्स की। अगर हम इनकी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन की बात करें जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है सोफिया लुफ के साथ क्लाई हिल्स खेलती नजर आएंगे। सोफिया हिल की बात करें तो नई लड़की है और क्लाई हिल भी नई लड़की है, मतलब एक्सपीरियंस की कमी है, हालांकि डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आई है, बस देखने वाली बात होगी क्या जैसे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करी थी तोड़फोड़ मचाई थी बड़े मंच पे कर पाती है या फिर टाइटाइफिस हो जाती है। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे मैली कर खेलती नजर आएंगी, मैली कर की भी वही कहानी है, डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आई है लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है। चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पे खेलती नजर आएंगी ग्रेस हैरिस। ग्रेस हैरिस की बात करें तो वुमेन्स में इनसे तेज पारिया कोई नहीं खेलता, जिस तरह से ये चौके छक्के लगाती हैं बाउंड्री को क्लियर करती है ना भाई साहब वो काबिले तारीफ है। पांचवे नंबर की बात करें तो कप्तान हीदर नाइट जो कि इंग्लैंड टीम की भी कैप्टन है, अगर हम इनकी बात करें हीदर नाइट की ये काफी समझदार बैटर है, जब संभल के खेलना होता संभल के खेलती, जब फोड़ना होता तो ये फोड़ भी देती है। छठवे नंबर की बात करें तो यहाँ पे ऋचा घोष खेलती नजर आएंगे जो कि इंडिया से आती है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, आप सबको पता ना क्या
जबरदस्त तरीके से फिनिश करती है रिचा घोष। सातवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे ग्रेस स्क्रीवन से खेलती नजर आएगी, नई लड़की है जो कि हम कह सकते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी ठीक ठाक करती है लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी करके देती है। अगर हम बात करें आठवें नंबर की तो आपको यहाँ पे कार्लेट डीन खेलती नजर आएंगी। कार्लेट डीन की बात करें तो ये भी ठीक ठाक गेंदबाज है जो हमेशा से बढ़िया गेंदबाजी करती है। अगर हम बात करें नौवें नंबर की तो यहाँ पे खेलती नजर आएंगे सारा ग्लेन जो कि इंग्लैंड की प्रॉपर गेंदबाज है और हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करके देती है। दसवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे खेलती नजर आएंगी तारा नॉरिस। तारा नॉरिस की बात करें तो आयरलैंड से आती है, आप सबको पता है ना जब दिल्ली कैपिटल्स के लिए इन्होंने खेला था तो पहले ही मैच में 5-6 विकेट निकाल लिया था, तो काफी गजब की स्विंग गेंदबाजी करती है तारा नॉरिस। ग्यारहवें नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे लॉरेन फिलर खेलती नजर आएंगी। लॉरेन फिलर की बात करें तो टैलेंटेड लड़की है, बस देखने वाली बात होगी कि अपने टैलेंट की परफॉर्मेंस बड़े मंच पे कर पाती है ना कर पाती है। अगर यहाँ पे लंदन स्पिरिट वुमेन्स की टीम की बात करें ना तो एक्सपीरियंस और जूनियर से मिलकर बनी हुई है, कहीं पे एक्सपीरियंस है कहीं नहीं है, तो जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी वो बढ़िया लग रही है लेकिन ओपनिंग जोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। गेंदबाजी की बात करें तो 2-3 गेंदबाज बढ़िया दिख रही है, तो 1-2 गेंदबाज थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। तो इनकी जो टीम है ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं कहेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें ओवल इनविंसिबल्स वुमेन की तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी होगी सूजी बेट्स ओपन करेंगी और इनका साथ देंगी कॉर्डेलिया ग्रिफिथ्स। अगर हम यहाँ पे कॉर्डेलिया ग्रिफिथ्स की बात करें तो नई लड़की है लेकिन सूजी बेट्स के बारे में आप सबको पता है ना, जो न्यूजीलैंड से आती हैं और जिस तरह से ये खेलती है ना, जब भी चलती है लंबा खेलती है, भैया शतक वतक लगा देती है। तो इनकी एक तरफ जहाँ एक्सपीरियंस है वहीं पर थोड़ा सा नई लड़की है, तो हम कह सकते हैं इनकी ओपनिंग जोड़ी ठीक ठाक है। तीसरे नंबर पर डेनवन निकरेन। अगर हम यहाँ पे डेनवन निकरेन की बात करें तो ये कप्तान भी है लेकिन गजब की बल्लेबाजी करती है, साथ में थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करके देती है। चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे मैरी जैन कैप। मैरी जैन कैप की बात करें तो साउथ अफ्रीका से आती है, जो भी ऑलराउंडर्स है ना वुमेन्स में मैरी जैन कैप से बेहतर ऑलराउंडर मुझे कोई लगता नहीं, जो प्रॉपर बल्लेबाजी करती है और प्रॉपर तेज गेंदबाजी करती है, इनके गेंदबाजी में दमखम दिखता है। पांचवें नंबर की बात करें एलिस कैप से जो कि माहिर है फिनिश करने में, हमेशा बढ़िया फिनिश करके जाती है। छठवें नंबर की बात करें लॉरेन विनफील्ड हिल जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, नई लड़की है और डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आई है। सातवें नंबर की बात करें मैडी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैडी डिविलियर्स की बात हो रही है जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग हमेशा बढ़िया करती है, बल्लेबाजी भी जरूरत पड़ने पर अपनी टीम को थोड़ा बहुत करके देंगे। आठवें नंबर की बात करें पैग स्कोलफील्ड की बात करें तो डोमेस्टिक में जब मैंने इनकी गेंदबाजी दिखी थी भाई साहब क्या गेंदबाजी इन्होंने करी थी। बाकी अगर हम यहाँ पे नौवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे खेलती नजर आएंगी ईवा ग्रे ने भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, बस मुझे देखना है कि बड़े मंच पे बड़े प्लेयर्स के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाती है ना कर पाती। दसवें नंबर पे आपको बेथ लंगेस्टन दिखेंगे, ये भी नई लड़की है, देखने वाली बात होती है इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। बाकी ग्यारहवें नंबर की बात करें रियाना मैकडोनाल्ड्स गे की बात करें तो काफी जबरदस्त गेंदबाज है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो ओवर इनविंसिबल्स वुमेन्स की टीम है ना, इस बार पिछले बार इनके पास ऑस्ट्रेलिया के 2-3 प्लेयर ऐसे थे जो दमदार परफॉर्मेंस करती थी, इस बार तो इनकी बल्लेबाजी बेहतर नजर आ रही है, दमखम नजर आ रहा है लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो थोड़ी सी जो इनकी गेंदबाजी है ना वो हल्की नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो लंदन स्पिरिट वुमेन्स की बात कर लो या ओवल वुमेन्स की बात कर लो, बल्लेबाजी में तो जो ओवल इनविंसिबल्स की टीम है ना वो लंदन स्पिरिट से बेहतर नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो दोनों टीमों की जो गेंदबाजी है ना वो एक जैसी ही नजर आ रही है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम ये मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको पता है ना मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, और आपको ये भी पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना कर सकते हैं ना। तो भाई लोग सारे एनालिसिस करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखे थे जो मैच है ना वो 60 और 40 का, 60 ओवर इनविंसिबल्स वुमेन्स और 40 लंदन स्पिरिट वुमेन्स। तो अगर आप यहाँ पे जाएं जो मजबूत टीम है ओवर इनविंसिबल्स वुमेन्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करो तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना लंदन स्पिरिट वुमेन्स अपने नाम पर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मुझे लगता है अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना लंदन स्पिरिट वुमेन्स अपने नाम पर कर सकता है। बाकी मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वुमेन्स के अलावा मेन्स 100 लीग भी चल रही है, लंका प्रीमियर लीग भी चल रही है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचें क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पर जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।